आइए हम मॉनसून चैप्टर स्टार्ट किए थे। ठीक है, मॉनसून चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो मॉनसून चैप्टर में हमारा पहला वीडियो हो चुका है, दूसरा तीसरा वीडियो हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट फोर है। पार्ट फोर में हम दक्षिण पश्चिमी के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण और पश्चिमी की हवाओं के बारे में। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से हम मॉनसून चैप्टर को कवर करने वाले हैं 6-7 वीडियो में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों को शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के बारे में बताया था पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, किस तरह से पछुआ से भारत में वर्षा होती है उसके बारे में पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को पूर्वी उत्तरी हवाओं के बारे में बताया था, ये कहाँ पे ठंडी में वर्षा करती है, जब विंटर चलता है तो कहाँ कहाँ पे वर्षा होती है भारत के अंदर, ये मैंने दूसरे वीडियो में बताया था। तीसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को दक्षिण पश्चिमी के बारे में बताया था। क्यों इसके बारे में मैंने दो वीडियो लिया, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हमारा इम्पोर्टेंट हवाएं हैं जो कि भारत में वर्षा कराती है। 90% वर्षा किसके वजह से होती है भारत में, दक्षिण पश्चिमी हवाएं। बट ये कौन सी हवाएं हैं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली, जो समर में हवाएं चलती हैं, जिसके जिनके हवाओं के चलने के बाद क्या आता है, मानसून भारत में प्रवेश करता है। तो वो किस तरह से प्रवेश करता है भारत में, ये हम लोगों ने पार्ट थर्ड में बात किया हुआ है। ठीक है, तीसरे पार्ट में बात किया हुआ है। अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले वहां पे जाके उन सारे वीडियो को देख के आइए, फिर आपको ये वीडियो समझेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसी का भाग है, कंटिन्यू है। तो वो तीनों कवर हो चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अब इसमें भी दो पार्ट है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में दो तरह की हवाएं चलती है, एक अरब सागर के ऊपर से चलती है, अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की शाखा। बंगाल की शाखा मतलब बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं भारत में एंट्री करती है, ये कौन सी शाखा है, जो अरेबियन सी, दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो अरब सागर के ऊपर से भारत में एंट्री करती है, जो भारत में मानसून लाती है। तो ये हवाओं का मानसून हमारे इंडिया पे किस तरह का प्रभाव डालता है और बंगाल की खाड़ी का किस तरह से, ये दोनों हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, ये क्या है, अरेबियन सी, दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ से चलती है और बे ऑफ बंगाल की हवाएं यहाँ से चलती है। ठीक है, तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। इसके पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, एक कंसेप्ट समझेंगे तो ही हमको ये चीजें समझ में आएंगी कि ये हवा इसी तरह क्यों चल रही है। ये हवा तो इस तरफ भी जा सकती थी ना, बट भारत में पश्चिमी तट की तरफ ये हवाएं क्यों चलती है और ये हवा इस तरफ क्यों चलती है। तो मैंने आपको एक फेरल का नियम बताया था। ठीक है, फेरल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि हमारा जो अर्थ है वो दो भागों में डिवाइड है। इक्वेटर से उन्होंने अर्थ को दो भाग में डिवाइड कर दिया था, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और उन्होंने कौन सा नियम बताया, उन्होंने बताया उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो अपने दाईं ओर मुड़ती है। किस तरफ, दाईं ओर मुड़ती है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और जो दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं होती है वो अपनी किस तरफ मुड़ती है, बाएं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे तो उन्होंने ये हमको नियम बताया था, इन्हें इसी नियम के अनुसार ये कंसेप्ट हमको समझना है, क्योंकि उनके नियम के अनुसार ये जुड़ा हुआ है और ये नियम सही भी है। जब मैं आपको वायुदाब पढ़ाऊंगा, एयर प्रेशर पढ़ाऊंगा, तो एयर प्रेशर में हम फेरल के नियम को डीप से देखेंगे कि क्यों उन्होंने इसी तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं होती है अपने दाएं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं होती है किस तरह मुड़ती है, बाएं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। 22 मार्च ये डेट दिया हुआ है, 22 मार्च 22 मार्च को सूर्य की किरणें जो होती है वो सीधे विषुवत रेखा पे पड़ती है, इक्वेटर पे। उनकी जो रे होती है वो प्रकाश कहाँ पड़ता है, सीधा विषुवत रेखा पे डायरेक्टली पड़ता है। कहाँ, किस दिन, 22 मार्च को। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून को सूर्य की जो रोशनी होती है, जो किरणें होती है, वो कहाँ पड़ती है, सीधी कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा कहाँ पे है, भारत के बीचों बीच से गुजरता है ना, यहाँ से गुजरात से होके। तो 21 जून को भारत के बीचों बीच पड़ता है, कर्क रेखा पे पड़ता है। किस दिन, 21 जून को। ठीक है, हमारा भारत कहाँ पे है, यहाँ पे, ये इक्वेटर थोड़ा सा नीचे हो गया है, बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये यहाँ पे है। ठीक है, 8 डिग्री से स्टार्ट होता है ना, 8 डिग्री से हमारा भारत का कन्याकुमारी स्टार्ट होता है, तो 0 डिग्री पे क्या है, हमारा इक्वेटर है, विषुव रेखा। तो 22 मार्च, और जैसे मार्च से वो आगे की तरफ बढ़ता है, मार्च से जिस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है, उसी समय ITCZ इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन। ठीक है, अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जोन, अभिसरण क्षेत्र, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। ठीक है,
क्यों इसमें ऐसा बोला गया, इसका मतलब क्या, ITCZ का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था ITCZ का मतलब क्या होता है, इंडियन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, इसका मतलब क्या, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये डायग्राम को मैंने पिछले टाइम पे एक्सप्लेन किया था, इस टाइम पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए क्योंकि इसी डायग्राम के ऊपर हमारा कंसेप्ट आधारित है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे एल का मतलब लोअर प्रेशर, हाई प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि जब हवा गर्म होती है, जब हमारा जो धरातल होता है, जो हमारा सरफेस होता है, जब वो गर्म होता है, जब उस पर सन की रेज क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो सन जो सरफेस होता है वो क्या होता है, हीट हो जाता है, जिसके वजह से गर्म हवाएं उठती हैं, और जब वो गर्म हवाएं आपस में टकराती है तो किस डायरेक्शन में जाती है, ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। जब हवाएं हल्की हो जाती है तो वो किस डायरेक्शन में जाती है, ऊपर के डायरेक्शन में, और जैसे जैसे ऊपर जाती है उनके नमी में क्या आती है, उनके टेम्परेचर में क्या आता है, बदलाव आता है, ठीक है। तो जब हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, जहां पे ये प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ITCZ, ठीक है। विषुवत रेखा पे 22 मार्च को क्या होता है, सीधी सीधी रेखाएं पड़ती हैं इक्वेटर पे, और यहाँ पे पूरा का पूरा सागर है, ठीक है, क्या है, पूरा का पूरा ओशन है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए, लैंड को और ओशन को, ठीक है, जो हमारा धरातल है और जो पानी है यहाँ पे वाटर है, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले हीट कौन होता है, धरातल, जो हमारी जमीन है, जो लैंड है, वो सबसे पहले जल्दी बोल सकते हो आप उसको, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, किसके कंपैरिजन में, ओशन के, क्यों, क्योंकि हमारा ओशन जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, एक बार गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो 22 मार्च को क्या होता है, इक्वेटर पे सीधी रे पड़ती है, 22 मार्च मतलब एग्जैक्ट डे ऐसा नहीं बोला जा रहा, बट इसके आजू बाजू भी क्या रहता है, वो इक्वेटर पे ही रहता है, ठीक है, बट ऐसा बोला जाता है कि 22 मार्च को एग्जैक्ट मतलब सीधी रेखाएं इक्वेटर पे पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो 22 मार्च ये एक ऐसा दिन होता है कि जिसपे सन की रेज होती है इक्वेटर पे सीधी पड़ती है। इस दिन क्या होता है, यहाँ पे ITCZ का निर्माण होता है, उसके पहले भी होता है बट इस दिन ज्यादा होता है, ITCZ का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, गर्म धाराएं, गर्म हवाएं बनती हैं, और वो गर्म हवाएं कहाँ उठती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। अब जब नीचे का सरफेस खाली हो रहा है, मतलब जब गर्म हवाएं टकरा के ऊपर उठ रही है, तो वहां पे एम्प्टी वैक्यूम बन रहा है। अब उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ना, कि खाली रहेगा, कोई ना कोई तो आएगा भरने के लिए। तो जो वहां की व्यापारिक पवने होती है, जिसको ट्रेड विंड बोलते हैं, वहां पे जो व्यापारिक पवने आती है उसको क्या करने आती है, फिल करने आती है, भरने आती है। जब वो उसको भरती है तो वापस से वो हीट होकर ऊपर की तरफ जाती है। इस ये प्रोसेस कंटिन्यू उस जगह पे क्या होता है, चलते रहता है। और वही हवाएं जिसमें नमी ज्यादा रहती है, वो हवाएं कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओशन, इक्वेटर पे क्या है, कोई लैंड है नहीं, सब वहाँ पे ओशन है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू बारिश होती है। क्यों? क्योंकि हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, ऊपर जाती है, ठंडी हो जाती है हवा, और वर्षा करनी स्टार्ट कर देती है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये 22 मार्च का प्रोसेस है। अब जैसे मार्च बाद अप्रैल, मई, जून आता है, मई जब आता है तो मई से ही यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाता है। हवाएं कहाँ स्टार्ट कर देती है इंटर होना, भारत के प्रायद्वीपीय में, ठीक है। तो ITCZ भी क्या होता है, मूवमेंट होगा, मैंने बताया था जिस तरह से सन अगर अपने जो प्रकाश है, जो रास्ता है, उसको चेंज करेगा, अगर वो कर्क रेखा पे है तो ITCZ कहाँ निर्माण होगा, कर्क रेखा पे होगा। अगर वो विषुवत पे है तो विषुवत पे होगा, और अगर मकर रेखा पे है तो मकर पे ITCZ निर्माण होता है। ITCZ ठंडी में नहीं होती है, गर्मी में होती है। क्यों? क्योंकि सन की रेज अगर सीधी पड़ रही तो गर्मी ही रहेगी, ठीक है। तो 21 जून को कहाँ पहुंच जाता है, कर्क रेखा पे, कौन, ITCZ भी और सन की रेज भी। उसके पहले के प्रोसेस क्या होते हैं, उसके पहले जब मार्च अप्रैल आता है तो अप्रैल मई तक यहाँ तक वो पहुंच जाता है, इंडिया के कन्याकुमारी तक वो टच हो जाता है, और यहाँ पे वर्षा करना स्टार्ट कर देता है। पिछले वीडियो में मैंने पूरा बताया था यहाँ पे केरल में वर्षा करता है, कर्नाटक में किस तरह से थोड़ी वर्षा करता है, मतलब जैसे बारिश अगर स्टार्ट होती तो एक साथ में नहीं आती है, पहले कुछ फुहारे आते हैं, ठीक है, एक दो दिन फुहारे, फिर तीसरे चौथे पांचवें छठवें दिन ऐसा पूरा बारिश स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होने में टाइम लगता है, तो वो जो फुहारा आता है उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। सबसे पहले कर्नाटक केरल में होता है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अब हम दक्षिणी पश्चिमी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, दक्षिण पश्चिमी की हवाओं के बारे में, कि किस तरह से वो बारिश करती है। इसके पहले मैंने पूरे कंसेप्ट बता दिए थे दक्षिण पश्चिमी के बारे में, इसमें हम देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम की हवाएं भारत में कहाँ कहाँ वर्षा करती है, और राजस्थान ही ऐसा क्षेत्र क्यों है जहाँ पे बारिश नहीं होती है। ये हवाएं वहां पे भी तो जाती है बट बारिश क्यों नहीं करती है, उसका रीजन है, ठीक है। राजस्थान एक सूखा क्षेत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, बारिश होती है बट उतनी नहीं होती है जहाँ जहाँ केरल में होती है, कर्नाटक में होती है, मेघालय में होती है, ठीक है। मेघालय ऐसा शहर है, ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, बारिश होती है। क्यों होती है बताता हूँ, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल देंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, ठीक है।
दक्षिण पश्चिम की हवाएं आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक पूरी चल रही है, ठीक है। तो जब ये हवाएं गुजरात से लेके, गुजरात से कहाँ तक स्टार्ट है, गुजरात से कन्याकुमारी तक, तो गुजरात और कन्याकुमारी के तट पे ये बहुत वर्षा करती है। पहला पॉइंट तो क्या रह जाएगा, गुजरात से कन्याकुमारी तक दक्षिण पश्चिम की हवाएं ज्यादातर तटीय क्षेत्रों पे क्या करती है, वर्षा करती है। क्यों वर्षा यहाँ पे करती है, इसका रीजन ये है, देखो ये माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन पे क्या होता है, जब कोई हवाएं अपनी नमी को लेके आ रही है, ठीक है, और जब इस माउंटेन की रुकावट उसको रोक देती है तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बादल जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जो क्लाउड होते हैं वो जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनकी नमी अधिकतर बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। जब वो क्लाउड आगे जा ही नहीं पा रहे तो उनमें क्या होना स्टार्ट हो जाता है, और भी उनके आजू बाजू से जो भी क्लाउड आ रहे हैं, जो भी नमी आ रही है, सब इसके अंदर कवर होना स्टार्ट हो जाती है। और जब नमी ज्यादा हो जाती है और टेम्परेचर कम होने लगता है तो वो किसमें रूप बदल जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। अब जब वाटर में कन्वर्ट हो गया तो अपनी नमी को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसको वहीं पे बारिश करनी पड़ जाती है। और फिर अधिकतर वर्षा वो कहाँ पे कर देता है, माउंटेन पे ही, पहाड़ी पे ही। कब तक करता है, जब तक वो हल्का नहीं हो जाता, मतलब अपनी नमी को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाता। मतलब जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश उसने कर दिया, फिर बादल क्या हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा, और जब वो हल्का हुआ कब तक बारिश करेगा, जब तक माउंटेन की ऊंचाई से वो रुका हुआ है। जैसे उसको यहाँ पे छूट मिली जाने के लिए, जैसे वो हल्का हुआ माउंटेन की ऊंचाई से ऊपर उठा, उसी समय वो बारिश वहां पे बंद करके आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो गुजरात में, कोंकण में, मालाबार तट में, यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ठीक है। अनाई नदी मैंने आपको बताया था, नीलगिरी पर्वत पे कौन सी चोटी है, वहां पे हर जगह पे तुम देखोगे तो लंबी लंबी चोटियां हैं, जिसपे बादलों के टकराव से क्या होता है, वहां पे बारिश ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। ये प्रोसेस आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हवा में जो नमी होती है वो कहाँ पे दे देते हैं, वो माउंटेन्स के ऊपर। और फिर जब माउंटेन की ऊंचाई से जो उनका वेट अगर ऊपर उठ गया, मतलब बादल अगर माउंटेन्स की ऊंचाई से ऊपर उठा, तो वो कंटिन्यू आगे की तरफ जाएगा, बट उसके बाद उस हवा में उतनी नमी नहीं रह जाती है, उसके बाद उस हवा में उतनी नमी नहीं रह पाती जितनी उसने यहाँ पे बारिश की हुई है। फिर आगे कंटिन्यू जाने के बाद थोड़ी वर्षा करती है, फिर और आगे जाने के बाद वो बिल्कुल वर्षा नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए भारत में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बारिश कम हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम पहले ये पढ़ रहे हैं, वो कंसेप्ट था समझ लिया, अब ये वाला अरेबियन सी, ठीक है। जब एक जून को वर्षा होती है कर्नाटक में, एक जून को वर्षा यहाँ पे होती है, वर्षा स्टार्ट होती है एक जून से, आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, एक जून से वर्षा स्टार्ट हो जाती है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है। 15 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंच जाती है, ठीक है। दिल्ली तक 15-16-14 ऊपर नीचे होता है, ठीक है, 14-15-16, बट अप्रोक्सीमेट 15 जुलाई तक जो मानसून की हवाएं होती है वो कहां तक पहुंच जाती है, दिल्ली तक, ठीक है, ये आप बात याद रखेंगे। तो 1 जून को जब यहां पे वो बारिश करती है मालाबार तट पे, ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, पासपोर्ट मानसून। किसको, पासपोर्ट मानसून, ठीक है, ट्रांसपोर्ट माउंटेन मानसून, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है 1 जून को जब यहाँ पे वो बारिश करती है तो, ठीक है। अब यहाँ पे 1 जून को बारिश कर देने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची क्या है पहाड़ियां हैं, यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो कि इस हवा को क्या करती है, अवरुद्ध करती है, रोकती है, इसके वजह से 1 जून को यहाँ पे मजबूत वर्षा होती है, ठीक है। और फिर वो वर्षा होने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक, तो ये आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 1 जून को यहाँ पे बारिश कर देती है और फिर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। मैंने आपको बताया कि पहाड़ी ही क्या करती है कि निर्धारित करती है कि बारिश कितनी होनी है, क्योंकि अगर माउंटेन इतना इतना छोटा रहेगा, माउंटेन इतना छोटा है और बादल यहाँ तक की ऊंचाई है, तो इतनी ही वर्षा कर पाएगी जितनी ही उसकी लंबाई है, मतलब जब तक उसकी ऊंचाई इस माउंटेन के ऊपर नहीं उठ जाती तब तक ही वर्षा करेगी। जैसे उसने यहाँ पे और उधर बंद हुआ वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मालाबार तट में वर्षा करने के बाद वो किस तरफ जाना स्टार्ट करती है, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो 1 जून को यहाँ पे फिर ऐसे कंटिन्यू वर्षा करती हुई ये हवा इस तरफ बढ़ती है और ये हवा इस तरफ बढ़ती है, ये हवा यहाँ पे वर्षा करने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ती है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्षा करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, बट ये हवा इस तरह से बहती हुई आगे की तरफ जाती है बट यहाँ तक वर्षा नहीं कर पाती है। क्यों, क्योंकि उसमें इतनी नमी नहीं रह जाती है। आगे दक्षिण पश्चिम की हवाएं गुजरात में
ठीक है, यहाँ पे दो मैंने पहाड़ी बताई थी आपको, मांडवी और गिरी, इन दोनों पहाड़ियों पे मजबूत वर्षा करती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहाड़ी ऐसी हैं जो उसको अवरुद्ध कर रही है, मतलब इस तरह से माउंटेन अवरुद्धक वाला माउंटेन, ना कि पैरेलल। पैरेलल अलग होता है, अवरुद्ध करने वाला अलग। सपोज ये माउंटेन है, ये मानसून की हवा यहाँ पे आ रही, टकरा जा रही, बट ये अगर ऐसा होता तो ये हवा इस तरह से निकल जाती थी, यहाँ पे बारिश नहीं होती थी। तो मांडवी और गिरी पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वर्षा करते हैं, जिससे यहाँ पे हरे भरे वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हरे भरे जंगले हैं, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा जंगल दिखेगा जो हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है, फिर वो आगे जाने के बाद, यहाँ पे आने के बाद नर्मदा और तापी दो रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, नर्मदा और तापी रिवर। तो नर्मदा की घाटी में घुस जाती है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे पर्वतों के टकराने से वहां पे वर्षा कर देती है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे टकराने के बाद सतपुड़ा पे और विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पे टकराने के बाद वो कहाँ पे, तापी और नर्मदा, नर्मदा भी तापी भी क्या कर देती है, ये नर्मदा ये तापी, इस पे क्या कर देती है, बारिश कर देती है। और इस घाटी पे भी वो अधिकतर वर्षा करती है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ उसको क्या है, माउंटेन ने रोक के रखा हुआ है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज ने रोक के रखा हुआ है। और फिर वो यहाँ से वर्षा करते हुए इसी रेंज में जाते हुए यहाँ पे अमरकंटक से टकरा जाती है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से टकराने के बाद भी वहां पे मजबूत वर्षा करती है। ठीक है, फिर ये हवा इस तरह से इस डायरेक्शन में जाती है और अरावली की चोटी गुरु शिखर माउंट आबो, ठीक है, अरावली की गुरु शिखर चोटी पे माउंट आबो पे वो मजबूत वर्षा करती है। क्यों, क्योंकि ये भी चोटी इसको क्या करती है, अवरोध करती है, रोकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बरसात होती है। बट अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये जो माउंटेन है अरावली, अरावली इसमें पैरेलल है, मतलब अगर कोई चीज इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, अगर वो इस तरह से है तो इसको अवरुद्ध कर रही है, बट अगर उसकी जो लंबाई है इस तरह से है तो ये इसको क्या करेगी, पैरेलल है तो इसको अवरुद्ध कम कर पाएगी, इसको अवरुद्ध क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, तो इसको अवरुद्ध कम कर रही है, बट आधे ज्यादा नमी कहाँ निकल जा रही है, बाहर की तरफ निकल जा रही है। यही रीजन है कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी हवाएं बारिश नहीं कर पाती है, वर्षा नहीं कर पाती है। क्यों, क्योंकि अरावली पर्वत क्या पड़ जाता है, सीधे पैरेलल पड़ जाता है, जिसके वजह से वो हवाएं क्या निकल जाती है, आगे की तरफ निकल जाती है। यही बोला जाता है कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं राजस्थान में बारिश नहीं कर पाती है, गुजरात में करती है, गुजरात से लड़ने के बाद उनकी हवाएं बहुत कम हो जाती है, जिससे वो आगे की तरफ बढ़ती है, यहाँ पे नमी कुछ लेती है और फिर यहाँ पे वर्षा कर देती है। ठीक है, फिर यहाँ से लड़ने के बाद वो इस तरह से निकल जाती है, ना कि राजस्थान में जाती है। तो यहाँ से अधिकतर नमी तो यहीं कर देती है, गिरा देती है वो पानी, बट आगे की तरफ उतनी नमी बच नहीं पाती है। और ये भी हवा यहाँ से वर्षा करते है, यहाँ से टकराती है, फिर यहाँ से अरावली गुरु शिखर माउंट आबो पे वर्षा करती है, फिर नमी कम रह पाती है। और राजस्थान में ये हवा पहुंचने के बाद अगर थोड़ी बहुत नमी बची भी है तो राजस्थान में उस समय ITCZ चलते रहता है। ठीक है, ITCZ वहीं पे होता है, क्योंकि 21 जून तक मैंने आपको बोला था, डेट बताया था, तो वहाँ पे ITCZ हल्का फुल्का रहता है और वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हवाएं अगर नमी लेके पहुंची भी तो गर्म होके वापस से ऊपर की डायरेक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से वहां पे बारिश नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉइंट, अब आप और भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये जो माउंट है, ठीक है, इन माउंट्स के नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में जब प्रायद्वीप पढ़ाया था तो बताया था, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको उस वीडियो पे जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऊंची ऊंची माउंट्स हैं, ठीक है, जो भी माउंट्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, महाराष्ट्र में एक सबसे ऊंचा माउंटेन है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहाड़ी है, इस पहाड़ी से भी टकरा के इन क्षेत्रों पे अधिकतर वर्षा करती है। और विंटर इनसे टकराने के बाद जब हवाएं हल्की होती है आगे की तरफ बढ़ती है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस जगह पे वर्षा बहुत ज्यादा कम करती है, क्योंकि हवा में उतनी नमी नहीं रह जाती। तो अब ये बात हो गई किसकी, दक्षिण पश्चिमी की हवाओं की। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बे ऑफ बंगाल के, मैंने आपको बोला था दो पार्ट में पढ़ाएंगे, पहले क्या होगा दक्षिण पश्चिमी की और फिर बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। तो ये अरब सागर का हो गया, अब इसके बाद हम किसके पढ़ेंगे, बंगाल की शाखा पढ़ेंगे कि बंगाल की शाखा इंडिया में किस तरह से एंट्री करती है और कहाँ कहाँ पे वर्षा कराती है। राजस्थान में ये भी हवा क्यों वर्षा नहीं करा पाती, क्योंकि ये तो अरावली तो पैरेलल पड़ रहा है, यहाँ पे तो पैरेलल था बट यहाँ पे परपेंडिकुलर होने के बाद भी इसके ऊपर वर्षा नहीं करती है, उसका भी एक रीजन है। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से बंगाल की जो शाखाएं हैं वो इंडिया में प्रवेश करती हैं और कहाँ कहाँ पे वर्षा करती है, सबसे ज्यादा कहाँ पे वर्षा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, बे ऑफ बंगाल की शाखाओं। ठीक है, नमस्कार।